6/15 मेरा बॉस लेवल है, एंड अगर मुझे इसको क्रॉस करना है यानी कि 6/ अगर मुझे 16 जाना है तो बॉस से मुझे फाइट विन करनी पड़ेगी। एंड जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड आप यहाँ देखेंगे कि जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस समय के एंड होने से पहले पहले मुझे यहाँ पर जो बॉस है उससे फाइट जीतनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर ये समय एंड हो जाता है और यहाँ पर जो बॉस है उससे मैं विन नहीं कर पाता और बॉस भी मुझे नहीं हरा पाता तो यहाँ पर जो टाइम है वो आउट हो जाएगा, या फिर मेरी जो HP है अगर वो 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉस है वो विन हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे HP बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पर जो समय है वो बचा ही नहीं एंड यहाँ पर टाइम आउट हो चुका है। आपके साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि टाइम आउट हो जाता है, आप बॉस से फाइट विन ही नहीं कर पाते हैं। क्यों विन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर जो ये स्किल्स है ना इनको सही प्रकार से यूज करते ही नहीं है। ये आपकी एनर्जी है यानी कि पावर है एंड ये आपकी स्किल्स है और यही वो स्किल्स है जो कि आपको PK यानी कि अरीना में जिताती है एंड यही वो स्किल्स है जो कि आपको यहाँ पे ये करेक्टर से जिताती है एंड इनका फादर आप बोल सकते हैं, बेसिकली जो बॉस है उससे आपको विन कराती है। सो ये दोनों का ही बहुत ज्यादा होना जरूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी स्किल्स है जो कि आपको यहाँ सेटअप करके रखनी है। काफी बार हमारा मन क्या कहता है कि यार जितने बड़े लेवल की स्किल होगी ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हम विन कर जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्टर हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर जो बॉस है उससे फाइट विन कर पाएंगे एंड आपका जो लेवल है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेवल ये कितना है एंड आपने कितने यहाँ पर बॉक्स ओपन करके अपना जो लेवल है वो इंक्रीज किया है एंड ग्लोबली आपका टीयर क्या है यानी कि आपका रैंक क्या है। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको स्किल्स को यूज करना है, कैसे अपग्रेड करना है और कैसे आपको जो बॉस है उससे फाइट को विन करनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले फिलहाल अगर आप ट्रेंडिंग में जितने भी एयरड्रॉप चल रहे हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो एयरड्रॉप्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इसमें काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। इवन अगर आपको ट्रिक्स जाननी है बॉम्बी एयरड्रॉप के बारे में तो वो वीडियो भी आपको यहीं इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप है आपको बॉम्बी एयरड्रॉप के बॉट को रन करना है। जैसे यहाँ पर रन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर अच्छे से पहले मेरे लेवल देख लीजिए, आप कुछ भी बोले। 184 मेरे लेवल है, डायमंड लीग पर हूँ सेकंड पर एंड 6/15 मेरा लेवल है। एंड थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैं यहाँ पर जो फाइट है वो हार गया था। एक बार मैं वापस से आपको जो फाइट है सिंपली वो करके बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप बोले अरे नहीं भाई वीडियो एडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा उनको कस्टमाइज आपको करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर जो बॉस है ना उससे फाइट जीत पाएंगे। आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हो अगर आप इनको कस्टमाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो आप विन कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी लेवल आप यहाँ पर अपग्रेड कर लीजिए। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी ज्यादा कुछ समय बचा नहीं है, 6 सेकंड के समथिंग बचा है एंड मेरी HP तो अभी बहुत बची है एंड अगेन यहाँ पर जो टाइम आउट है वो होने वाला है। आप देखेंगे टाइम आउट हो चुका है एंड थोड़ी सी इतनी सी HP बची थी बस, अगर वो इतनी सी HP और एंड हो जाती तो मेरा विन पक्का था। कोई बात नहीं, आपको यह स्किल्स का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जितनी भी स्किल्स एड कर रखी होंगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एंड उसके बाद में आपके पास जितनी भी स्किल्स होंगी और वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर इसके बाद में आपको जो ये आग का गोला दिखता है बेसिकली, इसके बाद में जितनी भी स्किल्स है ना ये सबसे अधिक पावरफुल है लेकिन ये बहुत ही लेट अनलॉक होंगी एंड अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आई थिंक अब तक अनलॉक हो भी चुकी होंगी। सो एक बार मैं सभी स्किल्स को यहाँ से हटा देता हूँ, आपको माइनस के बटन पर क्लिक करके स्किल्स को हटाना है। अब कौन कौन सी स्किल्स आपको एड करनी है? सबसे पहले आपको जो स्किल एड करनी है आपके पास यहाँ पर एक सेल वाला होगा, बेसिकली आप इसको बूस्टर बोलेंगे, यानी कि आपका जो प्लेयर है ना वो HP की वजह से हारेगा नहीं, तो HP होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये आपकी HP को रिकवर करता है, इनकी हेल्थ आप बोल सकते हैं। तो प्लस के बटन पर क्लिक करके आप इसको ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में जो बाइक है ना वो आपको ऐड करनी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा ये डैमेज देती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक टैंक जैसा ऑप्शन मिलेगा एंड इसके अलावा आपको एक सबमरीन जैसा लोगो मिलेगा एंड इसके अलावा आपको ये मिलेगा एंड आपको इनको तीनों को ही ऐड करना है। इन तीनों का ही जो डैमेज है ना ये बहुत ही तगड़ा है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला एंड ये वाला अगर इसके 7-8 लेवल भी है ना भाई बहुत तगड़ा डैमेज है तो आपको इसको यूज करना है, जैसे कि मैंने अपने अनुसार कस्टमाइज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, बॉस से फाइट करूंगा। अब आपको एक बार टेस्ट करना है कि बॉस से जब आप फाइट कर रहे हैं इन स्किल्स को ऐड करके तो आपका जो टाइम है वो एंड हो रहा है या फिर आपकी जो HP है वो ही घट जा रही है, जो कि आपको थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। आप देखेंगे कि रफली अभी 18 सेकंड बचे हैं एंड अभी भी मेरी HP बहुत है एंड जो एनिमी है यानी कि जो बॉस है उसकी भी HP बहुत बची है। सो एक बार तो पूरा आपको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, अपनी जो स्किल्स है उनको
कस्टमाइज करने के बाद में कि क्या यहाँ पर जो रिजल्ट है फाइनल वो रहता है। अभी भी यहाँ पर 2 सेकंड बचे हैं, 1 सेकंड एंड बहुत बहुत ही कम एचपी बची है, यानी कि पहले से मेरा जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फाइट विन नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी विन कर लेंगे हम। यहाँ बॉस के ऊपर मैं अगेन क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर ये ट्रिक यूज करनी है। क्या यूज करनी है? आपको यहाँ पर समय पे बारीकी से नजर बनाए रखनी है एंड आपकी एचपी पे नजर बनाए रखनी है एंड इस पे नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर जैसे ही ये एक बार राउंड एंड होता है और आपकी एचपी फिल हो जाती है एंड 10 सेकंड बचते हैं, आपको तुरंत यहाँ पर स्किल्स के बटन पर क्लिक करना है, अपनी यहाँ पर इसको हटाना एंड किसी को भी आप एक ऐड कर लेंगे। यानी कि अब आपको एचपी की जरूरत नहीं है, आपको पावर की जरूरत है एंड जैसे ही आप पावर बढ़ा लेंगे तो एनिमी को आप हरा पाएंगे। आप देखिए कि मैंने हरा दिया है, आपने लेवल देखा, मेरा रैंक देखा, सब कुछ सेम था। यानी कि इतना आसान नहीं है, आपको खुद से यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ेगा, खुद से माइंड लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखेंगे फाइट विन के साथ में आपका अगला बॉस लेवल भी ओपन हो जाता है एंड ये टफ होता जाएगा। अब इतना आसान नहीं है कि अगर आपने कस्टमाइज करके अपनी जो एचपी है उससे विन की है तो जरूरी नहीं है कि सेम जो स्किल्स है उनसे आप अगला लेवल विन कर पाएंगे। डेफिनेटली विन कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि आप कितने मार्जिन से हार रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, अगर आप बहुत ज्यादा मार्जिन से हार रहे हैं तो आपको स्किल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ गेट स्किल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास होने चाहिए यहाँ पर गोल्ड कॉइन बेसिकली ये वाले, एंड इन गोल्ड कॉइन से आपको स्किल वाउचर खरीदने हैं। एक वाउचर के लिए 20 यहाँ पर गोल्ड कॉइन लगेंगे एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपने अनुसार स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, पेवर लक है। आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा वाउचर बाई करने के बाद में एंड रेंडमली आपको यहाँ पर मिलेंगी एंड अगर आप बहुत सारी ओपन कर लेंगे तो फिर आपको वन क्लिक अपग्रेड करना है, सभी स्किल्स आपकी एक साथ अपग्रेड हो जाएंगी। बट मेक श्योर कि आपको स्किल्स को हमेशा कस्टमाइज करके यूज करना है।